Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. बरेली की खबर सुनकर दहल जाएगा आपका दिल। जिसने भी सुनी ये खबर उसके होश उड़ गए। जब अचानक मच गई यहाँ चीख पुकार, जी जब आप भी ये खबर सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। बरेली के फतेहगंज पूर्वी के उत्तम नगर मोहल्ले में मातम की खामोशी में रोने का शोर है। यहाँ एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव थे राम प्रकाश, उनकी पत्नी मीनू और 4 महीने की बेटी का, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शुक्रवार की सुबह जैसे ही तीनों के संदिग्ध शव मिलने की खबर मिली तो हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंची और शुरू हुई जांच पड़ताल। थाना फतेहगंज पूर्वी पर एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। तो उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो मृतक है उनका बेटा है उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो परिवार है उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है उनके द्वारा मौके पर दरवाजे को तोड़कर फोर्स एंट्री कमरे में की गई और उसके बाद ये जो तीनों वहां मृत पाए गए, तो पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध है, लेकिन फिलहाल हालात को देखकर लगता है कि सुसाइड का मामला है, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। वहाँ पे थे आप उस समय जब ये हुआ? हम तो मिला, हुआ है बड़े घर है और जो नीचे थे अब पवन ऊपर रहा था, नीचे तो जो ऊपर गए हुए पवन कह रहे ऊपर बैठे रहे, न खाना ना खाए पी गए। फिर पता नहीं जब नीचे लला लेटे आए, हमारे लला घर से आए 5 बजे, तुमने नहाने धोए, तुमने उठो ना मीनू के बारे बारे खोला, पूजा वूजा कर ले, यहाँ पूजा वूजा करते आज पूजा ना जमने के बारे ना खोली। कहीं लला हमने चेतर है ना उठी ना, तो हमने जाके बोन चाय बनाई तो पी लो, हमने घूटा भी चाय डाली भाई, तो हमने अब ये उठे ही ना, उठो ना मीनू, अरे लला नन्ने उठो ना बेटा उठो, मीनू 20 घंटे रह गई, तो हमने के बारे तूने कहा करे तो सोई है जो कूलर चल तो जो चल रो लला, तो हमने आवाज़ ना जात हुई है, तो हमने डंडा जो दारू डंडा से ना खुली, तो हमने बच्ची मिटा लो बासे के बार में हमने दज करके तो हमने तोड़ी, तो देखें का लला लट गए जे दत्ती में नीचे लेटे, तो हम चिल्लाए परे। तो परिजनों के मुताबिक घटना का पता तब चला जब दूसरे मकान में रहने वाली उनकी माँ सुबह करीब 8:30 बजे वहाँ पहुँची तो कोई हलचल ना होने पर दरवाजा खटखटाया, लेकिन राम प्रकाश का जवाब नहीं आया तो दरवाजे को तोड़ा गया और उसके बाद जो मंजर था उससे हर कोई दहल गया। बिस्तर पर पड़े शवों को देखकर हर कोई दंग रह गया और मच गई चीख पुकार। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।